Hello students, I welcome you all to my YouTube channel MMR Story Circle. Today we are going to learn a poem, The Lotus, written by Toru Dutt, and this is from Gulmohar English book for class 6 CBSE. So first of all, we will have some information about the author Toru Dutt, who has written this poem. Toru Dutt has written both descriptive and narrative verses. Toru Dutt ने दोनों तरह की कविताएं लिखी हैं, डिस्क्रिप्टिव भी और नैरेटिव भी. बट इवन हर नैरेटिव पोम्स हैव रिच डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर. हालांकि उनके नैरेटिव पोम्स में भी, नैरेटिव कविताओं में भी नेचर के, प्रकृति के बारे में अच्छा खासा वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. मच ऑफ हर शॉर्ट लाइफ वॉज स्पेंट इन टू स्पेशियस गार्डन होम्स, राम बागान एंड बागमोर इन वेस्ट बंगाल. उन्होंने अपने लाइफ का अच्छा खासा समय दो बड़े गार्डन्स में, बागीचों में, बागमोर और राम बागान में बिताया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है. दीज गार्डन्स शेप्ड हर कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हर रिस्पॉन्स टू कलर. और इन बागीचों ने तोरु दत्त के ख्यालों को, मतलब कलर को लेकर, रंगों को लेकर, उनके विचारों के बारे में एक अच्छा सेंस दिया है ना, उनको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर दिया है. द लोटस इज़ अ सोनेट. ये जो लोटस है, ये क्या है? एक सोनेट है. और सोनेट उसको कहा जाता है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं. ऊपर में 8 लाइनों का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग ऑक्टेट कहते हैं, और फिर नीचे 6 लाइनों का एक सेक्स्टेट होता है ना. तो ऐसे मिलाकर इसको, ऑक्टेट और सेक्स्टेट को मिलाकर ये एक सोनेट बनता है. इन दिस पोम तोरु दत्त प्रेजेंट्स द आइडिया दैट द इंडियन लोटस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स. इस कविता में तोरु दत्त ये व्यक्त करती हैं, ये बताना चाह रही हैं कि जो लोटस है, जो भारतीय लोटस है, भारत का एक फूल है जिसका नाम लोटस है, इसको हिंदी में हम कमल कहते हैं, वो सारे फूलों से खूबसूरत है. और वो कैसे खूबसूरत है, उन्होंने इस कविता में इसको बताया है. तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अनुवाद करते हैं. लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर. अब लव मतलब, लव आते हैं किसके पास? फ्लोरा के पास. और क्या मांगते हैं? एक फूल मांगते हैं. अब लव जो हैं वो क्यूपिड हैं. क्यूपिड को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ लव कहा जाता है. तो क्यूपिड आते हैं किसके पास? फ्लोरा के पास. आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है फ्लोरा कौन है. फ्लोरा क्या है? एक रोमन गॉडेस है, फूलों की और बसंत ऋतु की, वहाँ की, रोम की एक गॉडेस है, वहाँ की भगवान समझ सकते हो, देवी समझ सकते हो. तो और जो लव हैं वो क्या है? गॉड ऑफ लव हैं, जिसका नाम क्या है? क्यूपिड है. तो क्यूपिड आते हैं, लव आते हैं किसके पास? फूलों की देवी के पास, फ्लोरा के पास, और एक फूल मांगते हैं. दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन. और ये कहते हैं कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि सारे फूलों की निर्विरोध रानी बनेगी. मतलब सारे फूल अपनी इच्छा से उसे अपनी रानी स्वीकार कर लेंगे, मतलब उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा रानी बनने के लिए. तो वो अनडिस्प्यूटेड क्वीन बनेगी. मुझे एक ऐसा फूल दो. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Lily और rose इस उच्च सम्मान के लिए, इस high honor के लिए, मतलब queen बनने के लिए, लंबे समय से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, एक दूसरे के competitor रहे हैं. Bards of power had sung their claims. यहाँ पर bards of powers शक्तिशाली कवियों के बारे में कहा गया है, मतलब वैसे कवि जो अपने समय में बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस थे, और समाज में, कम्युनिटी में उनकी एक अलग पहचान थी, है ना. तो बड़े कवि, शक्तिशाली कवियों ने भी अपने क्लेम को, अपने दावों को पेश किया है. मतलब या तो कवियों ने, या मतलब कवि के समूहों ने, किसी कवि ने या तो लिली को सपोर्ट किया है क्वीन बनने के लिए, या तो रोज़ को सपोर्ट किया है. दोनों में से किसी एक फूल को, किसी एक फ्लावर को सपोर्ट करते हुए बड़े बड़े कवियों ने कई सारी कविताएं लिखी हैं उन दोनों फूलों में से किसी एक फूल के समर्थन में. द रोज़ कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन. अब देखो यहाँ पर जूनो आया है. जूनो जो हैं वो वाइफ ऑफ जुपिटर, जुपिटर की वाइफ हैं जूनो.
और मेन कहा जूनो मीन मतलब होता है एट्रैक्टिवनेस की, जो जूनो जो थी वाइफ ऑफ जुपिटर जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है रोज़ कैन नेवर टावर, टावर मीन्स खड़ा होना, है ना। टावर आपने देखा होगा, टावर कितना सीधा खड़ा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो रोज़ है वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, पेल लीली मतलब येलो कलर के लीली की तरह, जो कि अपने प्राइड में, अपने गर्व में, अपनी खूबसूरता में खड़ा हुआ रहता है। मतलब रोज़ जो है वो कभी भी लीली की तरफ, पीले लीली की तरफ खूबसूरत भी है और खड़ा नहीं हो सकता है। बट इज़ द लीली लवलियर, लेकिन क्या जब ये कहा गया है कि रोज़ खड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या ये भी है कि लीली ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है? लीली खूबसूरत है किससे? रोज़ से। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकीज पावर। अब देखो, फ्लावर फैक्शंस मीन्स क्या होता है और साइकीज मीन्स क्या होता है, आपके बुक में यहाँ पर जो ग्लोजरी दिया गया है इसमें आप देख सकते हो। साइकी कौन है? साइकी जो हैं वो एक प्रिंसेस हैं, है ना। साइकी जो हैं वो एक प्रिंसेस हैं। साइकी इज़ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस लव्ड बाय क्यूपिड। क्यूपिड जिनको प्यार करते हैं, मतलब जो गॉड ऑफ लव जो हैं क्यूपिड, वो जिनको प्यार करते हैं, जिनको जो प्रिंसेस को प्यार करते हैं, उनका नाम क्या है? साइकी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ्लावर फैक्शंस मतलब फूलों के सपोर्ट करने वाले ग्रुप के बीच में एक कंपटीशन हो गया। क्या हो गया? एक कंपटीशन हो गया कि हम किस फूल को रानी बनाए, है ना। साइकीज बावर, और साइकी जो जो पौधा था, जो फूल था, जो प्रिंसेस था, उसकी छाया में। बावर मीन्स होता है छाया। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। मुझे एक ऐसा फूल दो, कौन कहते हैं? लव कहते हैं, क्यूपिड कहते हैं फ्लोरा से, कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि रोज़ की तरह डिलीशियस हो, मधुर हो, एंड स्टेटली एज द लीली इन हर प्राइड, और लीली की तरह स्टेटली मतलब अपने गर्व से खड़ा रहने वाला हो, अपनी खूबसूरती में खड़ा रहने वाला हो, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो, है ना, जो कि रॉयल हो। एक ऐसा फूल दो जो कि रोज़ की तरह मधुर हो और लीली की तरह खड़ा रहने वाला हो। बट ऑफ व्हाट कलर? तो फ्लोरा पूछती हैं कि अच्छा, उसका रंग कैसा होना चाहिए? रोज़ रेड, लव फर्स्ट चूज। तो लव, क्यूपिड ने सबसे पहले कहा कि उसका जो कलर है ना, रेड रोज़ की तरह होना चाहिए। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की या फिर उसने कहा, नो लीली वाइट, नहीं नहीं नहीं, उसका कलर जो है लीली की तरह वाइट होना चाहिए। और बोथ प्रोवाइड, या तो आप एक ऐसा काम करो, मुझे उन दोनों का कॉम्बिनेशन दे दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस। तो फिर फ्लोरा ने क्या किया? फ्लोरा ने लव को, क्यूपिड को लोटस थमा दिया, लोटस दे दिया, रोज़ रेड डाइड, जिस पर रोज़ जैसा, जो रोज़ का जो कलर था रेड कलर, वो डाई किया गया था, मतलब रंगा गया था। एंड द लीली वाइट, और लीली की तरह वाइट कलर का दोनों का कॉम्बिनेशन था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और यही एक ऐसा फूल था जो कि इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ था और सारे फूलों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, जो कि उस समय खिल रहा था। सो दिस वॉज द पोएम दैट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इन फ्रंट ऑल ऑफ यू। ये जो पोएम लिखा गया है, इसका मोटिव ये था कि जितने भी वेस्टर्न कल्चर्स हैं, मतलब पश्चिमी सभ्यता की जितने भी कल्चर्स हैं, उन सब पर भारतीय सभ्यता को हावी करने के लिए, भारतीय सभ्यता को विजय बनाने के लिए इस पोम को लिखा गया था तोरुदत्त के द्वारा। तो ये पोम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।